हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन क्लासेस तो हम कर रहे थे लॉ आहा तो होप सो सारी वीडियोस आपने देख ली हैं चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं फटाफट फड़ से तो सेक्शन एट कंपनी की आपने इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर देखा अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी वन पर्सन कंपनी का भी है बहुत सिंपल सी चीज है बस आपसे छोटी छोटी सी चीजें अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम कितने चाहिए वन पर्सन कंपनी में तो आपको पता है वन होता है ठीक है उसके बाद आपकी लाइब्रेटी क्या होगी लिमिटेड बाय शेयर अनलिमिटेड लाइब्रेटी अच्छा वो भी विदाउट शेयर कैपिटल या विद शेयर कैपिटल उसमें भी क्या है ठीक है तो ये सब चीजें आपको डिटरमाइन करनी है उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन फाइल करोगे दूसरी चीज जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं मतलब सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिनको हम बोलते हैं जो सबसे पहले शेयर खरीदते हैं कंपनी के बाय करते हैं जिनको सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है जो फर्स्ट डायरेक्टर्स भी बनते हैं तो भैया उनकी फोटो उनका नाम उनका पता मम्मी पापा परमानेंट एड्रेस और अगर विद इन वन ईयर उन्होंने एड्रेस चेंज किया है तो भैया वो पुराने वाला एड्रेस दो हम वहां जाके पता करेंगे कि ये कैसे लोग हैं उनका प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर आधार कार्ड पैन कार्ड पैन कार्ड तो चलेगा ही चलेगा वो तो कंपलसरी है पैन कार्ड तो देना आधार कार्ड क्या कहता है समझो ठीक है नेशनैलिटी क्या है किस देश के हैं अगर इंडिया से बाहर के किसी देश के हैं तो भैया उनका पासपोर्ट चाहिए अगर पैन कार्ड उनके लिए कंपलसरी नहीं है बनवाना क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने तो कंपनी पे टैक्स लगेगा लेकिन वो लोग बाहरी हैं वो सब बाहरी हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स अगर नहीं लगता है तो भैया उनके लिए पैन कार्ड बनवाना जरूरी नहीं है लेकिन कंपनी का तो ऑब्वियस ही है बनेगा ही बनेगा लेकिन अगर उनके ऊपर भी इंडिया में टैक्स लगता है तो उनका भी पैन कार्ड बनेगा तो वो पैन कार्ड दूसरी चीज उनके प्रूफ के लिए तो उनकी बैंक स्टेटमेंट चलेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा टेलीफोन बिल चलेगा जो कि दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और अगर एक होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए डीआईएन नंबर डिन नंबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है बहुत बढ़िया चीज है अगर आपके पास डिन नंबर है फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है बस आप डिन नंबर दे दो कहानी खत्म अच्छा जी तो ये सारे प्रोसीजर आपको देने पड़ेंगे सारे और दूसरी चीज आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस तो नहीं है आपने पिछले पांच सालों में कुछ काम ऐसा तो नहीं किया जिसकी वजह से आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया हो किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए या उसके फर्स्ट डायरेक्टर या डायरेक्टर बनने के लिए तो उससे रिलेटेड आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी ओके दूसरी चीज जो भी लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स की तरह अपॉइंट हो रहे हैं जिन्होंने कंपनी ने जिसका नाम दिया है उनका एक डिक्लेरेशन लेटर उनका एक कंसेंट लेटर भी जाएगा कि हां हम तैयार हैं वी आर विलिंग एंड वी आर लीगली परमिसिबल टू कोई भी ऐसा प्रोविजन कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसा ऑफेंस में हम नहीं है जिससे कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर या फर्स्ट डायरेक्टर या प्रमोटर नहीं बन सकते ओके okay, बहुत सिंपल सी चीज है बहुत ज्यादा सिंपल चलो फटाफट से प्रोसीड करते हैं देखते हैं क्या कहना चाहता है तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्राइवेट ऑफ द पब्लिक कंपनी है तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी में अगर मैं देखूं कि भैया टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या आ रहा है ठीक है तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स तो सेवन और मोर पब्लिक कंपनी टू और मोर प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी के लिए एक है कोई दिक्कत ही नहीं और लाइबिटी के हिसाब से आपके पास लिमिट बाय शेयर लिमिट बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल बेसिक कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी तो सबसे पहले सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है जिसको आप फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जो सबसे पहले शेयर खरीदते हैं ऑब्वियसली बात है कंप्लाइंग विद द रिक्वायर विद्वाजिट ऑफ द एक्ट ठीक है इनकॉर्पोरशन ऑफ द कंपनी अर देन वन पर्सन कंपनी तो वन पर्सन कंपनी के अलावा प्राइवेट या पब्लिक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको क्या प्रोसेस है सबसे पहले नाम तो या तो आपको एक नया कंपनी इंकॉपोरेट करानी है तो एक नया नाम रखना है या पुरानी कंपनी का नाम चेंज कराना है वट एवर द केसेस उसके लिए आप रिक्वेस्टिड फॉर्म के अकॉर्डिंग आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे और साठ दिन के लिए उस नाम को ब्लॉक कर दिया जाता है ठीक है अ पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन लॉन्ग विदीस इन फॉर्म नंबर आईसी वन टू दर ओसी फॉर द रिस्पेक्ट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अ नेम सेट आउट इन दीकेशन इज द नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी और द नेम टू विच द प्रोपोज कंपनी वॉन्ट्स टू चेंज द नेम ठीक है तो फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन तो उस एप्लीकेशन जब फाइल की जाती है उसके साठ दिन के लिए वो नाम ब्लॉक कर दिया जाता है अगर सारे डॉक्यूमेंट सही सब कुछ सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है वो नाम किसी से मैच नहीं करता है किसी को रिसेंबल नहीं करता है कहीं पर भी कोई कॉपी राइट का कोई इशू नहीं है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का कोई इशू नहीं आता और सारे डॉक्यूमेंट्स सब सही हैं तो वो नाम उसको अलॉट कर दिया जाता है आह 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 ठीक है जी इफेक्ट ऑफ रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अच्छा आपने कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए वाह अगर कभी अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई और आर को या कंसर्न अथॉरिटी को बदल गया कि आपने कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है तो क्या होगा देखो भैया सबसे पहले द रिजर्व नेम शेल बी कैंसल्ड जो रिजर्व नेम है वो कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब कोई बंदा कैसे भी उस नाम को चूज कर सकता है ले सकता है दूसरी चीज एक लाख रुपए तक की कहानी है द एप्लीकेंट बी टू टू अ पेनल्टी अप और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो चुका था तो अब आपके पास अब लॉ क्या करेगा या तो उसे तीन महीने का टाइम देगा कि वो अपनी सारी की सारी चीजें फुलफिल करे द चेंज द नेम विद इन थ्री मंथ आफ्टर पासिंग द दर रिजोल्यूशन या फिर स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी चेंज ऑफ स्टेटस वट एवर द केसेस तो स्ट्राइक ऑफ ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा ठीक है उसका इनकॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और वाइंडिंग। तो नेम ऑफ द मेक अ पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आहा ठीक है नुपेशन ऑफ एमओए एंड एओए ठीक है जी

तो जो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं जो सबसे पहले शेयर्स लेते हैं जो एक तरीके से उसको प्रमोट करते हैं जो फर्स्ट डायरेक्टर्स भी बनते हैं तो उन सबके सिग्नेचर होने वाले हैं नेम ऑफ सब्सक्राइबर्स एटसेट्रा तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द एमओ ए शेल बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार उनका नाम क्या है उनका ऑक्यूपेशन क्या है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है उनकी फोटो उनके मम्मी पापा का नाम उनका एक परमानेंट एड्रेस उनका एड्रेस प्रूफ उनका सिटीजनशिप सब कुछ जाएगा और अगर डिन नंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वरना फिर सब कुछ जाएगा उनकी एक डिक्लेरेशन जाएगी कि भैया कोई ऑफेंस में तो नहीं है पिछले पांच साल के अंदर अंदर क्योंकि पांच साल की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होती है कि वो पांच साल के अंदर कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते या फिर वो किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते कोई कंपनी फ्लोट नहीं कर सकते समथिंग ओके okay. तो सबसे पहले नाम इंक्लूडिंग सर नेम फैमिली नेम रिसेंट फोटोग्राफ जाएगी फादर और मेंबर जाएगा ठीक है जी एंड स्कैंड विद एमओ और एओए ऑब्वियसली बात है वो तो जाएगा जाएगा नेशनैलिटी किस देश की है डेट ऑफ बर्थ क्या है प्लेस ऑफ बर्थ क्या है एजुकेशन ऑक्यूपेशन इनकम टैक्स यह आ गया ना मैंने ऑलरेडी बताया था सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में कि पैन नंबर जाएगा एंड अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट पासपोर्ट नंबर एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट टू ऑपटेन पैन तो ठीक है तो पैन नंबर जाएगा ही जाएगा और अगर कोई फॉरन नेशनल है तो उसका पासपोर्ट नंबर जाएगा अगर वो पैन नंबर लेने के लिए बाध्य नहीं है कम्पल्सरी नहीं है लेकिन अगर वो कंपलसरी है पैन नंबर लेने के लिए क्योंकि उसकी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा और कुछ भी होगा तो फिर उसको पैन नंबर लेना पड़ेगा और फिर वो जाएगा ठीक है जी परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस एंड ऑल्सो प्रेजेंट एड्रेस तो परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस जो उसका है परमानेंट एट रेसिडेंशियल एड्रेस ताकि उस पर कोऑर्डिनेट किया जा सके और जो प्रेजेंट एड्रेस है उस पर क्योंकि अगर किसी भी अथॉरिटी को उनसे कम्युनिकेट करना होता है तो दोनों एड्रेस पे कम्युनिकेट किया 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 जाएगा ठीक है जी टाइम सिंस डिसाइडिंग एट प्रेजेंट रेसिडेंस कितना टाइम हो गया आपको प्रेजेंट रेसिडेंस पे रहते हुए अगर एक साल से कम हुआ है तो जो पहले पुराना ओल्ड रेसिडेंस था उसका एड्रेस दो एड्रेस ऑफ प्रीवियस रेसिडेंस और रेसिडेंसिडेंस एड्रेस इस इफ स्टे ऑफ प्रेजेंट एड्रेस इज लेस देन वन ईयर क्योंकि आपकी जन्म कुंडली निकालनी है ना तो उस एरिया में जाके निकालेंगे जहां पे आप इतने सालों से रहते थे ठीक है जी तो ऑफिस और बिजनेस एड्रेस सिमिलर टू परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस और इतना ठीक है तो ऑफिस और बिजनेस एड्रेस ईमेल आईडी ऑफ द सब्सक्राइबर अच्छा ईमेल आईडी ऑफ द सब्सक्राइबर चाहिए हमें उस इंडिविजुअल की ईमेल आईडी चाहिए वो इंडिविजुअल अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है इनको तो उस बिजनेस के हिसाब से उसकी जो ईमेल आईडी आई हमें वो नहीं चाहिए उसकी इंडिविजुअल की पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए फोन नंबर ऑफ द सब्सक्राइबर फैक्स नंबर तो भैया ऑप्शनल होता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती ना अच्छा एड्रेस ई मेल एंड फैक्स शेल बी ऑफ द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड नॉट ऑफ द प्रोफेशनल एंगेज इन द कॉरपोरेशन ऑफ द कंपनी ठीक है न प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा क्या आएगा अगर कोई इंडियन नेशनल है तो पैन कार्ड प्लस पैन कार्ड तो है ही है प्लस उसके साथ एनी वन आउट ऑफ वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो आप पासपोर्ट दे सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो यूनिक आइडेंटिटी नंबर दैट इज आधार कार्ड दे सकते हो पैन कार्ड तो जाएगा ही जाएगा। फॉरन नेशनल है तो उसका भैया पासपोर्ट चला जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पासपोर्ट चला जाएगा नौ एफ रेसिडेंशियल प्रूफ सच एज बैंक स्टेटमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका टेलीफोन बिल आ सकता है दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वो नॉट मोर देन टू मंथ्स ओल्ड रेसिडेंशियल प्रूफ कि हां आप उस रेसिडेंस पे रहते हो ठीक है तो बैंक स्टेटमेंट इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन अच्छा ये तो हो गया नो प्रूफ ऑफ नेशनलिटी इन केस ऑफ सब्सक्राइबर इज अ फॉरन नेशनल तो उसके उस देश की नेशनलिटी सिटीजनशिप का प्रूफ जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट आर इफ दब्सक्राइबर इज ऑलरेडी होल्डिंग अ वैलिड डिन नंबर टायरेक्टर्सेंटिकेशन नंबर एंड द पर्टिकुलर हेर इन बीन अपडेटेड एस ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डिक्लेन टू दिस इफेक्ट इज गिवन इन दप्लीकेशन द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस नीड नॉट बी अटैच्ड यही मैंने आपको बताया था अगर डिन नंबर है तो आपको ये सारे बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है फिर आप सिर्फ डिन नंबर दे दो उसके पर्टिकुलर्निश कर दो कहने खत्म एडिशन पर्टिक्युल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स इन सर्टिन केसेस तो कुछ केसेस में सब्सक्राइबर्स के एडिशन पर्टिक्यूर चले जाएंगे भैया क्या है वो इफ द सब्सक्राइबर इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ द कंपनी अगर जो सब्सक्राइबर है वो किसी ना किसी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर और प्रोमोटर है तो वो कौन सी कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है उस कंपनी का एड्रेस क्या है उस कंपनी का जो नंबर uh, है आइडेंटिफिकेशन नंबर उस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है ये सब ठीक है तो नेम ऑफ द कंपनी जाएगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है वो जाएगा वेदर इंटरेस्टेड एज अ डायरेक्टर और इतना प्रोमोटर और फर्स्ट डायरेक्टर शेल सेल्फ अटेस्ट हिज लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन फॉर्म नंबर इतना मतलब हां मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये ही है फोटो यही है मैं। और हाँ मैं तैयार हूं इस कंपनी का प्रोमोटर या फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है जी नौ no. अच्छा कुछ बच्चे शायद इसको देख रहे हो और उनको पैन नंबर ना पता हो तो मैं बता दू इनकम टैक्स से रिलेटेड परमानेंट अकाउंट नंबर बनता है आपका जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है जिसे हम पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं उसी पैन नंबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पहचानता है तो उसे पैन नंबर बोलते हैं ठीक है इफ द सब्सक्राइबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट अब एक कंपनी फ्लोट हो रही है और उसका जो सब्सक्राइबर है वो एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई कंपनी फ्लोट कर रही है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सब्सक्राइबर है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देगी सिंपल सी बात है तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ऑफ द कम रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट तो ग्लोबल लोकेशन नंबर तो ग्लोबल लोकेशन नंबर होता है कंपनीज का जो कि यूज बाय कंपनीज किया जाता है एट अ ग्लोबल लेवल तो अगर ग्लोबल लोकेशन नंबर है तो सबसे बड़ी बात है वो यूज कर लो नेम ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है जी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देखो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वो एड्रेस माना जाता है जिसको हम एक तरीके से हेड ऑफिस बोलते हैं जहां पे हम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी कंपलसरी होती हैं ताकि अगर कोई इनकम टैक्स की रेट पड़े तो बस उसी ऑफिस में जाके हम सारे डॉक्यूमेंट सीज कर लें लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कहती है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस तो यह है लेकिन हम जो डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंस और बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपरेशन या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम किसी और प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करना चाहते हैं जिसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जाएगा तो इस केस में अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड हेड ऑफिस के अलावा कहीं और प्लेस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन करना चाहती है तो कंपनी को वो परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए आर को और कंसर्न अथॉरिटीज को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है बताना पड़ता है और जब वहां से परमिशन मिल जाती है तब वो अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाउंडेशन नहीं है लेकिन हां कंसर्न अथॉरिटीज को पता होना चाहिए कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या रजिस्टर्ड हेड ऑफिस क्या है कहां कहा आप डॉक्यूमेंटेशन कहां कहा आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हो सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेज अवेलेबल होते हैं ये पता होना चाहिए ये बस तो इसीलिए ये दो चीजें हैं रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो ये ऐसा नहीं है जहां से बिजनेस होता है नहीं फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो क्लास जहां पर शूट हो रही है ये वीडियो क्लास जो आपको मिल रही है ये हमारा एक तरीके से यहां से हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड हेड ऑफिस ये नहीं है वो होगा जहां पे हम अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं जहां पे नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल हैं सब कुछ अवेलेबल है उस चीज को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं ठीक है वहां से बिजनेस भी हो सकता है लेकिन बेसिक क्राइटेरिया क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है ईमेल आईडी जाएगी उस कंपनी की और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन क्योंकि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करना चाहती है कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की मीटिंग होगी उसमें एक रिजोल्यूशन पास होगा कि हाँ हम इसके प्रमोटर्स बनने को तैयार हैं फर्स्ट डायरेक्टर सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनने को तैयार हैं तो उससे रिलेटेड जो रिजोल्यूशन पास होगा उस रिजोल्यून की कॉपी जाएगी कि एडिक्वेट कोरम प्रेजेंट थी या नहीं थी एडिक्वेटली वो अकॉर्डिंग टू द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन वो मीटिंग हेल्ड की गई हो और उस मीटिंग में वो परमिसिबल कोरम uh, के अकॉर्डिंग वो चीज पास की गई हो वो रिजोल्यूशन पास किया गया हो तो उसकी एक कॉपी जाएगी ताकि ये हो कि हाँ ये एक वैलिड रिजोल्यूशन पास करके तब कंपनी ने डिसीजन लिया है कि वो एक नई कंपनी फ्लोट करेगी क्योंकि हर काम तो डायरेक्टर्स या फिर होल्डर्स के अप्रूवल से ही होगा ना आ ऐसा तो नहीं है कोई एक बंदा सोचे कि हमने कंपनी फ्लोट करनी है और वो फ्लोट कर देगा नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेनी पड़ेगी उसमें ये टॉपिक रखा जाएगा और एडिक्वेट कोरम के अकॉर्डिंग उसमें वोटिंग होगी और अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है तब जाके ये काम हो सकता है ओके ठीक है तो पर्टिकुलर एज पर पॉइंट फाइव नेम्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एसेट्रा फॉर द पर्सन सब्सक्राइबर टू बॉडी कॉर्पोरेट इन केस ऑफ फॉरन बॉडीज कॉर्पोरेट द डिटेल्स रिलेटिंग टू कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट और अगर कोई फॉरन बॉडी है कोई फॉरन कंपनी है जो इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहती है करा सकती है लेकिन अगर वो फॉरन कंपनी है तो जिस देश में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस देश का उसे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा तो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और उसका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो उसको बताना है ठीक है स्टैंप ड्यूटी ऑब्वियसली बात है जिस एरिया में जिस सिटी स्टेट के हिसाब से जो भी ज्यूरिस्डिक्शनल है आर जो भी ज्यूरिस्डिक्शनल आर है उसको आपको जब ये फाइलिंग करते हो आप तो उसकी जो भी नेसेसरी स्टैंप ड्यूटी है वो आपको पे करनी होगी तो स्टैंप ड्यूटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओ और एओ शेल बी पेड एज पर द रेस्पेक्टिव स्टैम्प ड्यूटी एक्ट फॉलोइ आइटम शेल बी कवर्ड इन दोर्ड रिजोल्यूशन ऑथोराइजेशन टू सब्सक्राइब टू द एमओ एफ प्रोपोज कंपनी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अब रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी फ्लोट करना चाहती है लेट रिलायंस जियो लेट तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उसकी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो बोर्ड का रिजोल्यूशन पास होना चाहिए ऑथोराइजेशन होनी चाहिए

तो कौन कौन लोग हैं अगर हैं तो उन पर्सन का नाम डेजिग्नेशन सब कुछ नो प्रिपेरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी जो होंगे ठीक है हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। इतना। जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके ज्यूरिडिक्शन वो ऑफिस जिस भी आर के जूरिस्डिक्शन में आता है उस पर आप एप्लीकेशन ऑब्वियसली बात है भाई आपको अगर कंप्लेन करनी है या आपको कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन देनी है तो जिस भी अथॉरिटी के ज्यूरिस्डिक्शन में आप आते हो वहीं पे तो जाओगे ऑब्वियस बात है बिजनेस आप पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में कहीं पे भी करो लेकिन एक रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा उस रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब से आप सारा काम करने वाले हो ना ठीक है नौ कंप्लायंस डिक्लेरेशन तो यही कंप्लायंस डिक्लेरेशन कि आपने सारी फॉर्मेलिटी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई किए हैं हो तो फॉर्म डिक्लेरेशन इन फॉर्म इतना

एफिडेविट एज टू नो ऑफेंस ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है चलो फिर भी फटाफट से देखते हैं तो फॉर्म एफिडेविट इतना है टू बी गिवन बाय ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो जो भी सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो जो सबसे पहले शेयर्स लेते हैं उसके और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिन भी लोगों का नाम है एज फर्स्ट डायरेक्टर्स अगर तो तो उन सबको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है

इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट देखो करेक्ट भी है और कंप्लीट भी है सही है और कंप्लीट है कुछ छुपाया नहीं है कुछ ज्यादा नहीं बोला कुछ नहीं बोला और करेक्ट है एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ इज नॉलेज एंड बिलीफ तो जो ही बंदा साइन कर रहा हो कह रहा है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ये सही है करेक्ट है एंड कंप्लीट है ठीक है एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस पर्टिकुलर शेल बी गिवन इन फॉर्म नंबर इतना एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस नॉट येट ऑपरेशनल और फिनिश्ड ठीक है जी डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स तो फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम पते एड्रेस फोटो सब दे दो भैया नेम इंक्लूडिंग सर नेम फैमिली नेम्स डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया तो सब कुछ आ गया रेसिडेंशियल एड्रेस आ गया नेशनलिटी आ गया अदर पर्टिक्युलस इंक्लूडिंग द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से आप ऑलरेडी जानते हो कि आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंशियल प्रूफ में क्या क्या लगता है और फॉरेन नेशनल होता है तो पासपोर्ट लगता है ना? इंटरेस्ट एंड कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड है तो उनका इंटरेस्ट और उनका कंसेंट कि हां वो तैयार हैं ठीक है तो पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन एओए एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स और किस किस फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट में उनका क्या क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट और क्या क्या चीजें हैं वो बताओ और उनका कंसेंट बताओ यस दे एक्ट दे विल एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फीस ऑब्वियसली बात है डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फीस तो डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू आर देखो एमओए और एओ तो जाएगा ही जाएगा ठीक है तो एमओए और एओए चला जाएगा डिक्लेरेशन जाएगी बिल्कुल सही बात है कंप्लायंस डिक्लेरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हां सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई किए गए हैं जो भी नेसेसरी है रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी प्री और पोस्ट वट एवर द केसेज तो उसकी डिक्लेरेशन जाएगी लॉयर हो सीए हो सीएमए हो सी हो इन प्रैक्टिस एंड एंड डायरेक्टर और मैनेजमेंट और सेक्रेटरी है ना ठीक है मैनेजर बाय वट नेम नेमको एफिडेविट एज टू दूफिडेविट एज टू दसिसम द सब्सक्राइबर्स ऑफ द एमओ एंडसन हूज नेम है एज फर्स्ट डायरेक्टर्स तो उनके थ्रू एक ऑफेंसिव uh, एफिडेविट जाएगा एफिडेविट रिगार्डिंग ऑफेंसिस जाएगा कि उन्होंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया रिगार्डिंग एनी कंपनी बॉडी कॉरपोरेट और एनीथिंग प्रीवियसली उनके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस नहीं है फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स क्योंकि उसमें एक रेस्ट्रिक्शन होती है और एड्रेस तो ये सब चीजें फटाफट फड़ से हम बता देंगे उनकी कोई दिक्कत नहीं है दोबारा से एमओए तो जाएगी, जाएगा ही जाएगा डॉक्यूमेंट्स ठीक है डिक्लेरेशन जाएगा ठीक है कंप्लायंस डिक्लेरेशन एफिडेविट जाएगा ऑफेंसिस से रिलेटेड एड्रेस जाने वाला है ठीक है जी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उसने फाइल किए हैं ये एज इट इज डॉक्यूमेंट्स उसको कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी कंपनी की टिल द कंपनी वुड बी वाउंड अप जब तक वो कंपनी वाउंड अप ना हो जाए तब तक उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मेंटेन करनी कंपलसरी है क्योंकि एमओए और एओए पे टाइम टू तो टाइम चेंजेस आ सकते हैं लीगल प्रोसीजर है चेंज कर सकते हो आप तो जिस टाइम आपने जो चीज फाइल की थी उसी की कॉपी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी द कंपनी शेल मेंटेन एंड रिजर्व प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर इनकॉर्पोरेशन टिल इट्स डिजोल्यूशन अंडर दिस जब तक वो डिजोल्व ना हो जाए ठीक है अब तो नाम जाएंगे सब्सक्राइबर्स के एडिशन पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स इन सर्टेन केसेस जो हमने ऊपर पढ़ा है एडिशन पर्टिकुलटीन केसेज डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर जाएगी इंटरेस्ट और कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर तो यह सब चीजें हैं जो जाएगा इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे ऑब्वियसली बात है ना उनके और दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंटरेस्ट है क्योंकि फिर यह कंपनी उसके साथ कैसे डील करती है कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं चल रही कोई मैन्युपुलेशन तो नहीं चल रही वो हम पकड़ सके ठीक है तो इंटरेस्ट एंड कंसेंट वाह तो फटाफट से एमओए कंप्लायंस एफिडेविट फॉर ऑफेंसेस, एड्रेस ठीक है ठीक है ये कंपनी का names of the subs names etc of the subscribers additional particulars as required in special cases certain cases details of first directors interest and consent take okay. अप्रूवल फ्रॉम सेक्टोरल रेगुलेटर्स अच्छा सेक्टोरल रेगुलेटर्स का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटर्स जो रेगुलेट करते हैं वर्किंग को फॉर एग्जाम्पल से और आरबीआई तो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको आरबीआई गवर्न करता है और जितनी भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं तो उनको से भी गवन करता है तो वो जो सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं उनकी भी अगर परमिशन चाहिए क्योंकि अगर आप उससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो उनकी परमिशन कम्पल्सरी है तो पहले उनकी परमिशन लो फिर एप्लीकेशन फाइल करना विद अटैचिंग द परमिशन दैट ठीक है forms along with power of attorney MOA and AOA the company shall submit the above details in the appropriate forms described above fees to तो agar company having a share capital hai to jo share capital hoti hai uski authorized share capital uske hisab se fees lagti hai और अगर share capital नहीं है number of members है तो number of members के हिसाब से उसकी fees लगती है wow. now central government has constituted a central registration center central registration center having territorial jurisdiction all over the india for discharging or carrying out the following to process applications for reservation of name in e form ई एन सी वन सेंट्रल इसलिए होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर डायवर्सिफाइड होगा तो किसी बंदे ने अगर जुरिस्डिक्शन वन में कोई एप्लीकेशन फाइल करी है तो जुरिस्डिक्शन टू वाला बंदा उसको मैच कैसे करेगा तो उनको एक सेंट्रलाइज सर्वर पे लेके जाना बहुत जरूरी है ताकि वो उस एप्लीकेशन को ऑल ओवर पैन इंडिया लेवल पे तो उसके हिसाब से जज किया जा सके कि वो नाम किसी और नाम से मैच तो नहीं कर रहा समझो बात को तो वो एक सेंट्रलाइजेशन होनी बहुत 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 जरूरी थी तभी काम फास्ट हो सकता है और अच्छा हो सकता है और सही हो सकता है समझो टू प्रोसेस फॉर्म्स पर्टेनिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज ठीक है तो समझो रिजर्वेशन ऑफ नेम अभी अभी मैंने बताया कि अगर हम दस अलग अलग आर ओ सी ज्यूरिस्डिक्शनल डिपार्टमेंट्स बना दें और हर ज्यूडिडिक्शन में एक एक एप्लीकेशन आए तो कैसे मैच होगा नाम टाइम काफी ज्यादा जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेज बहुत ज्यादा हैं तो अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है तो एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो सकता है फॉर एग्जांपल रेलवे की अगर आप टिकट बुक करते हो अगर वो एक सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू काम ना हो तो एक ही टिकट पता नहीं कितने लोग बुक कर लेंगे समझ रहे हो आप तो तो ये दिक्कत हो सकती है है तो है एक सेंट्रलाइजेशन होना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है. ताकि नाम रिजर्व किया जा सके उस प्रोसेस को और दूसरी चीज कंपनी इन कॉर्पोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन आई है उस एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाए एडिक्वेटली ओके अलोंग विद लिंक्ड फॉर्म्स चलो भैया अब आप पहले यहां तक फटाफट से एक बार रीड कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय तो फटाफट से यहां तक एक बार रीड कर लो बहुत सिंपल सी चीज है बहुत सिंपल सिंपल इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन बहुत ध्यान से देखो क्या क्या चीज होता है चलो मिलते हैं टिल देन बाय बाय हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन अगे क्लासेस तो हम कर रहे थे लॉ आ तो होप सो सारी वीडियोस आपने देख ली हैं चलो फर्दर प्रोसीड करते हैं फटाफट फड़ से तो सेक्शन एट कंपनी की आपने इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर देखा अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी वन पर्सन कंपनी का भी है बहुत सिंपल सी चीज है बस आपसे छोटी छोटी सी चीजें अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम कितने होने चाहिए वन पर्सन कंपनी में तो आपको पता है वन होता है ठीक है उसके बाद आपकी लाइब्रेटी क्या होगी लिमिटेड बाय शेयर बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइब्रेटी अच्छा वो भी विदाउट शेयर कैपिटल या विद शेयर कैपिटल उसमें भी क्या है ठीक है तो ये सब चीजें आपको डिटरमाइन करनी है उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन फाइल करोगे दूसरी चीज जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं मतलब सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिनको हम बोलते हैं जो सबसे पहले शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के बाय करते हैं जिनको सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है जो फर्स्ट डायरेक्टर्स भी बनते हैं तो भैया उनकी फोटो उनका नाम उनका पता मम्मी पापा परमानेंट एड्रेस और अगर विद इन वन ईयर उन्होंने एड्रेस चेंज किया है तो भैया वो पुराने वाला एड्रेस दो हम वहां जाके पता करेंगे कि ये कैसे लोग हैं उनका प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर आधार कार्ड पैन कार्ड पैन कार्ड तो चलेगा ही चलेगा वो तो कंपलसरी है पैन कार्ड तो देना आधार कार्ड क्या कहता है समझो ठीक है नेशनैलिटी क्या है किस देश के हैं अगर इंडिया से बाहर के किसी देश के हैं तो भैया उनका पासपोर्ट चाहिए अगर पैन कार्ड उनके लिए कंपलसरी नहीं है बनवाना क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने तो कंपनी पे टैक्स लगेगा लेकिन वो लोग बाहर ही हैं वो सब बाहर ही हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स अगर नहीं लगता है तो भैया उनके लिए पैन कार्ड बनवाना जरूरी नहीं है लेकिन कंपनी का तो ऑब्वियस बात है बनेगा ही बनेगा लेकिन अगर उनके ऊपर भी इंडिया में टैक्स लगता है तो उनका भी पैन कार्ड बनेगा तो वो पैन कार्ड दूसरी चीज उनके प्रूफ के लिए तो उनकी बैंक स्टेटमेंट चलेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा टेलीफोन बिल चलेगा जो कि दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और अगर एक होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए डीआईएन नंबर डिन नंबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है बहुत बढ़िया चीज है अगर आपके पास डिन नंबर है फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है बस आप डिन नंबर दे दो कहानी का खाता। अच्छा जी तो ये सारे प्रोसीजर आपको देने पड़ेंगे ये सारे और दूसरी चीज आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस तो नहीं है आपने पिछले पांच सालों में कुछ काम ऐसा तो नहीं किया जिसकी वजह से आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया हो किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए या उसके फर्स्ट डायरेक्टर या डायरेक्टर बनने के लिए तो उससे रिलेटेड आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी ओके okay. दूसरी चीज जो भी लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स की तरह अपॉइंट हो रहे हैं जिन्होंने कंपनी ने जिसका नाम दिया है उनका एक डिक्लेरेशन लेटर उनका एक कंसेंट लेटर भी जाएगा कि हां हम तैयार हैं वी आर विलिंग एंड वी आर लीगली परमिसिबल टू कोई भी ऐसा प्रोविजन कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसा ऑफेंस में हम नहीं है जिससे कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर या फर्स्ट डायरेक्टर या प्रमोटर नहीं बन सकते ओके okay, बहुत सिंपल सी चीज है बहुत ज्यादा सिंपल चलो फटाफट -फड़ से प्रोसीड करते हैं देखते हैं क्या कहना चाहता है तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्राइवेट और द पब्लिक कंपनी है तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी में अगर मैं देखूं कि भैया टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या आ रहा है ठीक है तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स तो सेवन और मोर पब्लिक कंपनी टू और मोर प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी के लिए एक है कोई दिक्कत ही नहीं और लाइबिटी के हिसाब से आपके पास लिमिट बाय शेयर लिमिट बाय अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल बेसिक कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी तो सबसे पहले सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है जिसको आप फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जो सबसे पहले शेयर्स खरीदते हैं ऑब्वियसली बात है कंप्लाइंग विद्विजिट ऑफ द एक्ट ठीक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी तो वन पर्सन कंपनी के अलावा प्राइवेट या पब्लिक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको क्या प्रोसेस है सबसे पहले नाम तो या तो आपको एक नया कंपनी इनकॉपोरेट कर नाम चेंज कराना है केसेज उसके लिए आप रिक्वेजिट फॉर्म के अकॉर्डिंग आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे और साठ दिन के लिए उस नाम को ब्लॉक कर दिया जाता है ठीक है अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन लॉन्ग विदीस इन फॉर्म नंबर आई वन टू दर ओसी फॉर द रेस्पेक्ट

और सारे डॉक्यूमेंट्स सब सही हैं तो वो नाम उसको अलॉट कर दिया जाता है ठीक है जी इफेक्ट ऑफ रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अच्छा आपने कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए वाह अगर कभी अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई और आरओसी को या कंसर्न अथॉरिटी को बदल गया कि आपने कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है तो क्या होगा देखो भैया सबसे पहले द रिजर्व नेम शेल बी कैंसिल जो रिजर्व नेम है वो कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब कोई बंदा कैसे भी उस नाम को चूज कर सकता है ले सकता है दूसरी चीज एक लाख रुपए तक की कहानी है द एप्लीकेंट बी टू टू अ पेनल्टी अप और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो चुका था तो अब आपके पास अब लॉ क्या करेगा या तो उसे तीन महीने का टाइम देगा कि वो अपनी सारी की सारी चीजें फुलफिल करे द चेंज द नेम विद इन थ्री मंथ आफ्टर पासिंग द ऑर्डर रिजोल्यूशन या फिर स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी चेंज ऑफ स्टेटस वट एवर द केसेस तो स्ट्राइक ऑफ ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा ठीक है उसका इनकॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और वाइंडिंग। तो नेम ऑफ द मेक अ पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आहा ठीक है न्यूपेशन ऑफ एमओ एंड ए ठीक है जी

तो जो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं जो सबसे पहले शेयर्स लेते हैं जो एक तरीके से उसको प्रमोट करते हैं जो फर्स्ट डायरेक्टर्स भी बनते हैं तो उन सबके सिग्नेचर होने वाले हैं नो नेम ऑफ सब्सक्राइबर्स एटसेट्रा तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द एमओ ए शेल बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार उनका नाम क्या है उनका ऑक्यूपेशन क्या है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है उनकी फोटो उनके मम्मी पापा का नाम उनका एक परमानेंट एड्रेस उनका एड्रेस प्रूफ उनका सिटीजनशिप सब कुछ जाएगा और अगर डिन नंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वरना फिर सब कुछ जाएगा उनकी एक डिक्लेरेशन जाएगी कि भैया कोई ऑफेंस में तो नहीं है पिछले पांच साल के अंदर अंदर क्योंकि पांच साल की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होती है कि वो पांच साल के अंदर कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते या फिर वो किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते कोई कंपनी फ्लोट नहीं कर सकते समथिंग ओके okay. तो सबसे पहले नाम इंक्लूडिंग सर नेम फैमिली नेम रिसेंट फोटोग्राफ जाएगी फादर और मेंबर जाएगा ठीक है जी एंड स्कैंड विद एमओए और एओ एवियसली बात है वो तो जाएगा जाएगा नेशनैलिटी किस देश की है डेट ऑफ बर्थ क्या है प्लेस ऑफ बर्थ क्या है एजुकेशन ऑक्यूपेशन इनकम टैक्स आ गया ना मैंने ऑलरेडी बताया था सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में पेन नंबर जाएगा एंड अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट पासपोर्ट नंबर एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट टू ऑप्टेन पेन तो ठीक है तो पेन नंबर जाएगा ही जाएगा और अगर कोई फॉरन नेशनल है तो उसका पासपोर्ट नंबर जाएगा अगर वो पेन नंबर लेने के लिए बाध्य नहीं है कंपल्सरी नहीं है लेकिन अगर वो कंपलसरी है पैन नंबर लेने के लिए क्योंकि उसकी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा और कुछ भी होगा तो फिर उसको पैन नंबर लेना पड़ेगा और फिर वो जाएगा ठीक है जी परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस एंड आल्सो प्रेजेंट एड्रेस तो परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस जो उसका है परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस ताकि उस पर कोऑर्डिनेट किया जा सके और जो प्रेजेंट एड्रेस है उस पर क्योंकि अगर किसी भी अथॉरिटी को उनसे कम्युनिकेट करना होता है तो दोनों एड्रेस पे कम्युनिकेट किया, किया, किया जाएगा ठीक है जी टाइम सिंस रिसाइडिंग एट प्रेजेंट रेसिडेंस कितना टाइम हो गया आपको प्रेजेंट रेसिडेंस पे रहते हुए अगर एक साल से कम हुआ है तो जो पहला पुराना ओल्ड रेसिडेंस था उसका एड्रेस दो एड्रेस ऑफ प्रीवियस रेसिडेंस और इफ स्टे ऑफ प्रेजेंट एड्रेस इज लेस देन वन ईयर क्योंकि आपकी जन्म कुंडली निकालनी है ना तो उस एरिया में जाके निकालेंगे जहां पे आप इतने सालों से रहते थे ठीक है जी तो ऑफिस और बिजनेस एड्रेस सिमिलर टू परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस और इतना ठीक है तो ऑफिस और बिजनेस एड्रेस ईमेल आईडी ऑफ द सब्सक्राइबर अच्छा ईमेल आईडी ऑफ द सब्सक्राइबर चाहिए हमें उस इंडिविजुअल की ईमेल आईडी चाहिए वो इंडिविजुअल अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है इनको तो उस बिजनेस के हिसाब से उसकी जो ईमेल आईडी आई हमें वो नहीं चाहिए उसकी इंडिविजुअल की पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए फोन नंबर ऑफ द सब्सक्राइबर फैक्स नंबर तो भैया ऑप्शनल होता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती ना अच्छा एड्रेस ई मेल आई डी एंड फैक्स शेल बी ऑफ द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड नॉट ऑफ द प्रोफेशनल एंगेज इन द कॉरपोरेशन ऑफ द कंपनी ठीक है ना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा क्या आएगा अगर कोई इंडियन नेशनल है तो पैन कार्ड प्लस पैन कार्ड तो है ही है प्लस उसके साथ एनी वन आउट ऑफ वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो आप पासपोर्ट दे सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो यूनिक आइडेंटिटी नंबर दैट इज आधार कार्ड दे सकते हो पैन कार्ड तो जाएगा ही जाए फॉरन नेशनल है तो उसका भैया पासपोर्ट चला जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पासपोर्ट जाएगा नौ एफ रेसिडेंशियल प्रूफ सच एज बैंक स्टेटमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका टेलीफोन बिल आ सकता है दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वो नॉट मोर देन टू मंथ्स ओल्ड रेसिडेंशियल प्रूफ कि हां आप उस रेसिडेंस पे रहते हो ठीक है तो बैंक स्टेटमेंट इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन अच्छा ये तो हो गया नौ प्रूफ ऑफ नेशनलिटी इन केस ऑफ सब्सक्राइबर इज अ फॉरन नेशनल तो उसके उस देश की नेशनलिटी सिटीजनशिप का प्रूफ जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट इज ऑलरेडी होल्डिंग अ वैलिड डिन नंबर एंड द पर्टिकुलर हेर इन बीन अपडेटेड ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डिक्लेन टू दिस इफेक्ट इज गिवन इन दप्लीकेशन द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस नीड नॉट बी अटैच्ड यही मैंने आपको बताया था अगर डिन नंबर है तो आपको ये सारे बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है फिर आप सिर्फ डिन नंबर दे दो उसके पर्टिकुलर्निश कर दो कहने खत्म एडिशन पर्टिक्युलटिन केसेस तो कुछ केसेस में सब्सक्राइबर्स के एडिशन पर्टिकुलर चले जाएंगे भैया क्या है वो इफ द सब्सक्राइबर इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर और प्रोमोटर ऑफ द कंपनी अगर जो सब्सक्राइबर है वो किसी ना किसी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर और प्रोमोटर है तो वो कौन सी कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है उस कंपनी का एड्रेस क्या है उस कंपनी का जो नंबर uh, है आइडेंटिफिकेशन नंबर उस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है ये सब ठीक है तो नेम ऑफ द कंपनी जाएगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है वो जाएगा वेदर इंटरेस्टेड एज अ डायरेक्टर और इतना प्रोमोटर और फर्स्ट डायरेक्टर शेल सेल्फ अटेस्ट हिज लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर फॉर्म नंबर इतना मतलब हां मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये ही है फोटो यही है मैं। और हा मैं तैयार हूं इस कंपनी का प्रोमोटर या फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है जी नौ no. अच्छा कुछ बच्चे शायद इसको देख रहे हो और उनको पैन नंबर ना पता हो तो मैं बता दू इनकम टैक्स से रिलेटेड परमानेंट अकाउंट नंबर बनता है आपका जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है जिसे हम पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं उसी पैन नंबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पहचानता है तो उसे पैन नंबर बोलते हैं ठीक है इफ द सब्सक्राइबर इज अ बॉडी कॉरपोरेट अब एक कंपनी फ्लोट हो रही है और उसका जो सब्सक्राइबर है वो एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई कंपनी फ्लोट कर रही है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सब्सक्राइबर है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देगी सिंपल सी बात है तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ऑफ द कम्य रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट तो ग्लोबल लोकेशन नंबर तो ग्लोबल लोकेशन नंबर होता है कंपनीज का जो कि यूज बाय कंपनीज किया जाता है एट अ ग्लोबल लेवल तो अगर ग्लोबल लोकेशन नंबर है तो सबसे बड़ी बात है वो यूज कर लो नेम ऑफ द बॉडी कॉर्पोनेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है जी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देखो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वो एड्रेस माना जाता है जिसको हम एक तरीके से हेड ऑफिस बोलते हैं जहां पे हम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी कंपलसरी होती हैं ताकि अगर कोई इनकम टैक्स की रेट पड़े तो बस उसी ऑफिस में जाके हम सारे डॉक्यूमेंट सीज कर लें लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कहती है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस तो यह है लेकिन हम जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंस और बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेरेशन या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम किसी और प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करना चाहते हैं जिसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जाएगा तो इस केस में अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड हेड ऑफिस के अलावा कहीं और प्लेस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन करना चाहती है तो कंपनी को वो परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए आर को और कंसर्न अथॉरिटीज को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है बताना पड़ता है और जब वहां से परमिशन मिल जाती है तब वो अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाउंडेशन नहीं है लेकिन हां कंसर्न अथॉरिटीज को पता होना चाहिए कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या रजिस्टर्ड हेड ऑफिस क्या है कहां पे आप डॉक्यूमेंटेशन कहां पे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं ये पता होना चाहिए ये बस तो इसीलिए ये दो चीजें हैं रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो ये ऐसा नहीं है जहां से बिजनेस होता है नहीं फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो क्लास जहां पर शूट हो रही है ये वीडियो क्लास जो आपको मिल रही है ये हमारा एक तरीके से यहां से हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड हेड ऑफिस ये नहीं है वो होगा जहां पे हम अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं जहां पे नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल हैं सब कुछ अवेलेबल है उस चीज को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं ठीक है वहां से बिजनेस भी हो सकता है लेकिन बेसिक क्राइटेरिया क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है ईमेल आईडी जाएगी उस कंपनी की और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन क्योंकि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करना चाहती है कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की मीटिंग होगी उसमें एक रिजोल्यूशन पास होगा कि हाँ हम इसके प्रमोटर्स बनने को तैयार हैं फर्स्ट डायरेक्टर सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनने को तैयार हैं तो उससे रिलेटेड जो रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन पास होगा उस की कॉपी जाएगी कि एडिक्वेट कोरम प्रेजेंट थी या नहीं थी एडिक्वेटली वो अकॉर्डिंग टू द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन वो मीटिंग हेल्ड की गई हो और उस मीटिंग में वो परमिसिबल कोरम uh, के अकॉर्डिंग वो चीज पास की गई हो वो रिजोल्यूशन पास किया गया हो तो उसकी एक कॉपी जाएगी ताकि ये हो कि हाँ ये एक वैलिड रिजोल्यूशन पास करके तब कंपनी ने डिसीजन लिया है कि वो एक नई कंपनी फ्लोट करेगी क्योंकि हर काम तो डायरेक्टर्स या फिर शे होल्डर्स के अप्रूवल से ही होगा ना आह ऐसा तो नहीं है कोई एक बंदा सोचे कि हमने कंपनी फ्लोट करनी है और वो फ्लोट कर देगा नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेनी पड़ेगी उसमें ये टॉपिक रखा जाएगा और एडिक्वेट कोरम के अकॉर्डिंग उसमें वोटिंग होगी और अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है तब जाके ये काम हो सकता है ओके ठीक है पर्टिक्यूल एज पर पॉइंट फाइव अबसेट्रा फॉर दर्सक्राइबेड टू बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट द डिटेल्स रिलेटिंग टू कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अगर कोई फॉरन बॉडी है कोई फॉरन कंपनी है जो इंडिया में कोई कंपनी इनकॉरपोरेट कराना चाहती है करा सकती है लेकिन अगर वो फॉरन कंपनी है तो जिस देश में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस देश का उसे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा तो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और उसका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो उसको बताना है ठीक है स्टैंप ड्यूटी ऑब्वियसली बात है जिस एरिए में जिस सिटी स्टेट के हिसाब से जो भी जुरिस्डिक्शनल है आर जो भी जुरिस्डिक्शनल आर है उसको आपको जब ये फाइलिंग करते हो आप तो उसकी जो भी नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी है वो आपको पे करनी होगी तो स्टैंप ड्यूटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओ और एओ शेल बी पेड एज पर द रेस्पेक्टिव स्टैम्प ड्यूटी एक्ट फॉलोइ आइटम शेल बी कवर्ड इन द बोर्ड रिजोल्यूशन ऑथोराइजेशन टू सब्सक्राइब टू द एमओ एफ प्रपोज कंपनी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अब रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी फ्लोट करना चाहती है लेट रिलायंस जियो लेट तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उसकी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो बोर्ड का रिजोल्यूशन पास होना चाहिए ऑथोराइजेशन होनी चाहिए

तो कौन कौन लोग हैं अगर पर्सन हैं तो उन पर्सन का नाम डेजिग्नेशन सब कुछ नो प्रिपेरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होंगे ठीक है हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है इतना रजिस्टर्ड ऑफिस ऑब्वियसली बात है जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके जुरिस्डिक्शन वो ऑफिस जिस भी आर के जुरिस्डिक्शन में आता है उस पर आप एप्लीकेशन दोगे ना ऑब्वियसली बात है भाई आपको अगर कंप्लेन करनी है या आपको कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन देनी है तो जिस भी अथॉरिटी के ज्यूरिस्डिक्शन में आप आते हो वहीं पे तो जाओगे आओ ऑब्वियस बात है बिजनेस आप पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में कहीं पे भी करो लेकिन एक रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा उस रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब से आप सारा काम करने वाले हो ना ठीक है नौ कंप्लायंस डिक्लेरेशन तो यही कंप्लायंस डिक्लेरेशन कि आपने सारी फॉर्मेलिटी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई किए हैं तो फॉर्म डिक्लेरेशन इन फॉर्म इतना टू बी गिवन बाय declaration शेल बी गिवन by आपको पता एडवोकेट है advocate है CA है CMA है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड पर्सन नेमड इन डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी तो वो डिक्लेरेशन फाइल करेंगे एंड एंड मतलब उसके साथ ठीक है तो डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी

फिडेविट एज टू नो ऑफेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है चलो फिर भी फटाफट से देखते हैं तो फॉर्म एफिडेविट इतना है टू बी गिवन बाय ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज द फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो जो भी सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो जो सबसे पहले शेयर्स लेते हैं उसके और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिन भी लोगों का नाम है एज फर्स्ट डायरेक्टर्स अगर तो तो उन सबको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है

इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट देखो करेक्ट भी है और कंप्लीट भी है सही है और कंप्लीट है कुछ छुपाया नहीं है कुछ ज्यादा नहीं बोला कुछ नहीं बोला और करेक्ट है एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ इज नॉलेज एंड बिलीफ तो जो भी बंदा साइन कर रहा वो कह रहा है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ यह सही है करेक्ट है एंड कंप्लीट है ठीक है एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस पर्टिक्युलर शेल बी गिवन इन फॉर्म नंबर इतना एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस नॉट येट ऑपरेशनल और फिनिश्ड ठीक है जी डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स तो फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम पते एड्रेस फोटो सब दे दो भैया नेम इंक्लूडिंग सर नेम फैमिली नेम डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया तो सब कुछ आ गया रेसिडेंशियल एड्रेस आ गया नेशनलिटी आ गया अदर पर्टिक्युलडिंग द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से आप ऑलरेडी जानते हो कि आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंशियल प्रूफ में क्या क्या लगता है वाह और फॉरेन नेशनल होता है तो पासपोर्ट लगता है ना? इंटरेस्ट एंड कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड है तो उनका इंटरेस्ट और उनका कंसेंट कि हां वो तैयार हैं ठीक है तो पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन एओ एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन अदर फॉर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट और किस किस फॉर्म या बॉडी कॉर्पोरेट में उनका क्या क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट और क्या क्या चीजें हैं वो बताओ और उनका कंसेंट बताओ यस दे एक्ट दे विल एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ फीस ऑब्वियसली बात है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ फीस तो डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू आर देखो एमओ और एओ तो जाएगा ही जाएगा ठीक है तो एमओए और एओए चला जाएगा डिक्लेरेशन जाएगी बिल्कुल सही बात है कंप्लायंस डिक्लेरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हां सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई किए गए हैं जो भी नेसेसरी है रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी प्री और पोस्ट वट एवर द केसेज तो उसकी डिक्लेरेशन जाएगी लॉयर हो सीए हो सीएमए हो हो इन प्रैक्टिस एंड एंड डायरेक्टर और मैनेजमेंट और सेक्रेटरी है ना ठीक है मैनेजर बाय वट नेम कॉल्ड एफिडेविट एज टू दूफिडेविट एज टू होम, द सब्सक्राइबर्स ऑफ द एमओ नेम हैज बीन इंडिकेटेड इन द एज फर्स्ट डायरेक्टर्स तो उनके थ्रू एक ऑफेंसिव uh, एफिडेविट जाएगा रिगार्डिंग ऑफेंसिस जाएगा कि उन्होंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया रिगार्डिंग एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और एनीथिंग प्रीवियसली उनके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस नहीं है फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स क्योंकि उसमें एक रेस्ट्रिक्शन होती है आहा और एड्रेस तो ये सब चीजें फटाफट फड़ से हम बता देंगे उनकी कोई दिक्कत नहीं है दोबारा से एम ओ तो जाएगी, जाएगा ही जाएगा डॉक्यूमेंट्स वो भी फाइल ठीक है डिक्लेरेशन जाएगा ठीक है कंप्लायंस डिक्लेरेशन एफिडेविट जाएगा ऑफेंसेस से रिलेटेड एड्रेस जाने वाला है ठीक है जी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उसने फाइल किए हैं ये एज इट इज डॉक्यूमेंट्स उसको कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी कंपनी की टिल द कंपनी वुड बी वाउंड अप जब तक वो कंपनी वाउंड अप ना हो जाए तब तक उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मेंटेन करनी कंपलसरी है क्योंकि एमओए और एओए पे टाइम टू तो टाइम चेंजेस आ सकते हैं लीगल प्रोसीजर है चेंज कर सकते हो आप तो जिस टाइम आपने जो चीज फाइल की थी उसी की कॉपी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी द कंपनी शेल मेंटेन एंड रिजर्व प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इट्स डिजोल्यूशन अंडर दिस एक्ट जब तक वो डिजोल्व ना हो जाए ठीक है अब तो नाम जाएंगे पर्टिकुलिसाइडन पर्टिकस इन सर्टीन केसेस डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर जाएगी इंटरेस्ट और कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर तो यह सब चीजें हैं जो जाएगा इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे ऑब्वियसली बात है ना उनके और दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंटरेस्ट है क्योंकि फिर यह कंपनी उसके साथ कैसे डील करती है कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं चल रही कोई मैन्युपुलेशन तो नहीं चल रही वो हम पकड़ सके ठीक है तो इंटरेस्ट एंड कंसेंट वाहओ तो फटाफट से एमओए कंप्लाइंस एफिडेविट फॉर ऑफेंसेस, एड्रेस ठीक है ठीक है ये कंपनी का है names of the subs names etc of the subscribers additional particulars as required in special cases certain cases details of first directors interest and consent take okay. अप्रूवल फ्रॉम सेक्टोरल रेगुलेटर्स अच्छा सेक्टोरल रेगुलेटर्स का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटर्स जो रेगुलेट करते हैं वर्किंग को फॉर एक्जाम्पल सेबी और आरबीआई तो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको आरबीआई गवर्न करता है और जितनी भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं तो उनको सेबी भी गवर्न करता है तो वो जो सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं उनकी भी अगर परमिशन चाहिए क्योंकि अगर आप उससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो उनकी परमिशन कंपलसरी है तो पहले उनकी परमिशन लो फिर एप्लीकेशन फाइल करना विद अटैचिंग द परमिशन दैट ठीक है

now central government has constituted a central registration center central registration center having territorial jurisdiction all over the india for discharging or carrying out the following to process applications for reservation of name in e form ई एनसी वन सेंट्रल इसलिए होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर डायवर्सिफाइड होगा तो किसी बंदे ने अगर जुरिस्डिक्शन वन में कोई एप्लीकेशन फाइल करी है तो जुरिस्डिक्शन टू वाला बंदा उसको मैच कैसे करेगा तो उनको एक सेंट्रलाइज सर्वर पे लेके जाना बहुत जरूरी है ताकि वो उस एप्लीकेशन को ऑल ओवर पैन इंडिया लेवल पे तो उसके हिसाब से जज किया जा सके कि वो नाम किसी और नाम से मैच तो नहीं कर रहा समझो बात को तो वो एक सेंट्रलाइजेशन होनी बहुत 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 जरूरी थी तभी काम फास्ट हो सकता है और अच्छा हो सकता है और सही हो सकता है समझो टू प्रोसेस फॉर्म्स परटेनिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज ठीक है तो समझो रिजर्वेशन ऑफ नेम अभी अभी मैंने बताया कि अगर हम दस अलग अलग आर ओसी ज्यूडिस्डिक्शनल डिपार्टमेंट्स बना दें और हर ज्यूडिस्डिक्शन में एक 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 एप्लीकेशन आए तो कैसे मैच होगा नाम टाइम काफी ज्यादा जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेज बहुत ज्यादा हैं तो अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है तो एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो सकता है फॉर एग्जांपल रेलवे की अगर आप टिकट बुक करते हो अगर वो एक सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू काम ना हो तो एक ही टिकट पता नहीं कितने लोग बुक कर लेंगे समझ रहे हो आप तो ये दिक्कत हो सकती है तो एक सेंट्रलाइजेशन होना बहुत बहुत जरूरी है ठीक है ताकि नाम रिजर्व किया जा सके उस प्रोसेस को और दूसरी चीज कंपनी इन के लिए जो एप्लीकेशन आई है उस एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाए एडिक्वेटली ओके एलोंग विद लिंक्ड फॉर्म्स चलो भैया अब आप पहले यहां तक फटाफट से एक बार रीड कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय तो फटाफट से यहां तक एक बार रीड कर लो बहुत सिंपल सी चीज है बहुत सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन होती है लेकिन बहुत ध्यान से देखो क्या क्या चीज होता है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय हाँ जी तो एडिशन पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स इन सर्टेन केसेस अब एडिशन पर्टिकुलर्स में क्या है समझो मैं हूं अगर मैं नई कंपनी फ्लोट कर रहा हूं तब तो जो ऊपर की इंफॉर्मेशन थी यही बहुत कुछ है बहुत कुछ है सीख है लेकिन मैं ऑलरेडी एक किसी कंपनी में डायरेक्टर या फिर प्रमोटर कुछ हूं और मैं अब एक नई कंपनी फ्लोट कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड है या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट एक नई कंपनी फ्लोट कर रही है उससे रिलेटेड है तो दो केस हो गए तो सबसे पहली चीज किसके लिए भैया सब्सक्राइबर इज ऑलरेडी इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर और अ प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी और कंपनीज द तो अगर मैं ऑलरेडी किसी कंपनी का डायरेक्टर या प्रोमोटर हूं कंपनी या कंपनीज का तो उनसे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जाएगी कंपनी का नाम क्या है मेरा डेजिग्नेशन क्या है मेरा इंटरेस्ट क्या है डायरेक्टर हूं प्रोमोटर हूं क्या हूं ठीक है जी तो उससे रिलेटेड उसका एड्रेस क्या है वो सब कुछ जाएगा भैया तो कंपनी का नेम ऑफ द कंपनी और कंपनी है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर वो जाएगा तो वेदर द इंटरेस्टेड एज अ डायरेक्टर और प्रोमोटर में उसमें डायरेक्टर हूं या प्रोमोटर हूं और प्रोमोटर और फर्स्ट डायरेक्टर शेल सेल्फ अटेस्ट हिज लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन फॉर्म नंबर इतना ठीक है अब बात आती है बॉडी कॉर्पोरेट की समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहती है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अब रिलायंस इंडस्ट्रीज बॉडी कॉर्पोरेट है ठीक है अच्छा जो बॉडी कॉर्पोरेट है अगर वो एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कराती है वो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट इंडियन के है तो उसको अपना सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्म बाहर का और वहां का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वो उसकी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देनी होगी बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो सेम ही होगी अच्छा जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनका ग्लोबल लोकेशन नंबर होता है तो ग्लोबल लोकेशन नंबर वो यूज करते हैं ताकि ग्लोबल लेवल पे उनकी एक रिकॉग्निशन और ईज ऑफ डूइंग हो सके अपनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना ठीक है अब सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको क्या करना होगा तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो भी उसके पास है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है होगा ना द कंपनी और इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट इफ एनी ठीक है ग्लोबल लोकेशन नंबर इफ एनी नेम ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट क्या नाम है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है उसका ईमेल आईडी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन अब बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब अब रिलायंस uh, इंडस्ट्रीज अगर कोई नई कंपनी फ्लोट करना चाहती है इसका मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है जैसे जियो और समथिंग तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ होगा बोर्ड रिजोल्यूशन की हमें ट्रू कॉपी चाहिए कि एक वैलिड बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें ऑथोराइज किया गया है कि हाँ वो बॉडी कॉर्पोरेट उसके सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी इस सबसे रिलेटेड और किस बंदे को ऑथोराइज किया गया है ये ये सब सब काम करने के लिए उसका उसका नाम उसकी एड्रेस कुछ तो ये तो चीज इफ द सब्सक्राइबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट द बोर्ड रिजोल्यूशन शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग आइटम्स फर्स्ट ऑथोराइजेशन टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रोपोज कंपनी एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द दोपोज कंपनी तो कितने शेयर्स आप बाय करोगे ऑब्वियसली बात है उस कंपनी के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ठीक है नेम एड्रेस एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑथोराइज टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ठीक है तो पर्टिकुलर पर पॉइंट फाइव नेम ऑफ द सब्सक्राइबर्स फॉर द पर्सन सब्सक्राइबर टू इतना और इन केस ऑफ फॉरन बॉडी कॉर्पोरेट द डिटेल्स रिलेटिंग टू कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कम्युनिकेशन डिटेल तो चाहिए चाहिए ना ठीक है स्टैम्प ड्यूटी तो आपको पे करनी पड़ेगी जो भी आपका हेड ऑफिस जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका जो भी जूडिस्डिक्शनल आर है उसमें आप जब ये फाइलिंग करोगे तो एमओए और एओए को रजिस्टर करने के लिए जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी नाउ प्रिपेरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स ठीक है जी आ जाएंगे ये भी अदर डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं क्या दिक्कत वाली बात है तो फॉर्म नंबर आई एन सी सेवन एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अंपनीज प्रपोज टू बी सिचुएटेड इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड ठीक है तो कंप्लायंस डिक्रेशन कंप्लायस का मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब कंप्लाई की गई हैं एडिक्वेटली कौन देगा ये डिक्लेरेशन ऑब्वियसली बात है भैया लॉयर दे सकता है सीए दे सकता है सीएमए दे सकता है सीएस दे, दे, दे सकता है जिनका भी अपना ऑफिस है और जो कंपनी इन कॉरपोरेशन से रिलेटेड काम करते हैं एंड एंड डायरेक्टर है मैनेजर है सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी है By the person named in the articles of association as a director, manager or the secretary of a company or the secretary of a company. Contents. Kya declaration carrying that all the formalities, all the rules, regulations, procedures have been compliant with adequately according to the provisions of the law, either precedent or afterwards relating to the incorporation of a company. एफिडेविट एज नो ऑफेंस तो ऑब्विय बात है जितने भी लोग हैं जो कि मेंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और जिनका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डायरेक्टर्स इंडिकेटेड है इफ एनी तो उन सब लोगों को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है एफिडेविट फाइल करना पड़ता है कि हां हम ये एफिडेविट मतलब देते हैं अपने पूरे होशोहवास में कि भैया हमारे अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस नहीं चल रहा है हमने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी लीगल ऑफेंस कोई भी अदर ऐसा एक्ट नहीं किया है जिससे इन एनी अदर कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट और पिछले पांच सालों में हमारे पास कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिससे कि हम इस पोस्ट के लिए लीगली परमिसिबल ना हो दैट ऑल द विद द विदी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेन और जो भी डॉक्यूमेंट्स आर को फाइल किए गए हैं दे कंटेन्स द कंप्लीट द करेक्ट कंप्लीट एंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज ठीक है एंड इंफॉर्मेशन ठीक है एंड बिलीव एड्रेस इज एड्रेस पर्टिकुलट इज गिवन इन द फॉर्म नंबर इतना और एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश शेल बी फर्निश्ड ऑपरेशनल तो जब तक वो ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक कॉरेस्पॉन्डेंट की भैया किस एड्रेस पर हम उसको कॉम्युनिकेट करें कॉम्युनिकेट है कॉर्डिनेशन करें डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स तो जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स इनका भी नाम इंडिकेटेड है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो उनसे रिलेटेड डिटेल्स जाएगी भैया बहुत सिंपल सी बात है नाम जाएगा इंक्लूडिंग सर नेम और फैमिलीम तो डायरेक्टर्स और उसका रेसिडेंशियल एड्रेस परमानेंट करंट एक साल तो एक साल से पुराने ठीक है नेशनैलिटी क्या है और अदर पर्टिकुलर्स एज मे यू डीम फिट इंटरेस्ट एंड कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स तो पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफ द द इंटरेस्ट इन ऑफ एसोसिएशन एज द फर्स्ट फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फॉर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स दूसरी या बॉडी कॉर्पोरेट्स में उनके क्या इंटरेस्ट है और उनकी डिक्लेरेशन की हाँ वो तैयार हैं एज फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने के लिए इस कंपनी में तो इंटरेस्ट एंड कंसेंट की इंफॉर्मेशन जाती है इसको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में काउंट करते हैं हम जनरली जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो आप सीखोगे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स तो क्या होता है कि एक कंपनी है उसकी बहुत सारी सब्सिडी कंपनीज हैं तो वो आपस में इस तरीके से सेल परचेज कर सकती हैं जिससे कि टैक्स इंपैक्ट होते हैं टैक्स इविजन होते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जो कंपनी इस कंपनी का की पर्सोनल है मैनेजिंग डायरेक्टर director या डायरेक्टर्स हैं जो इस कंपनी को कंट्रोल करते हैं उनके कंट्रोल में और कौन कौन चीजें हैं क्योंकि अगर उनके बीच में कोई फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होंगी तो उसको हम ऑडिट करते हुए ध्यान देंगे कहीं उसमें कोई मैन्युपुलेशन तो नहीं है जिसकी वजह से गलत काम हो रहा है कोई फ्रॉड कोई चीटिंग हो रही है इसलिए वो इन्फॉर्मेशन देनी कंपलसरी हो जाती है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जाएगा, कि हाँ सारे करें, कौन कौन पार्टीज होती उसमें आपको पता है जाएगा। जाएगा कि देर इज नो ऑफेंस एफिडेविट भी चला गया एड्रेस एड्रेस भी चला गया फिर लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी तो जाएगी तो नेम्स ऑफ द सब्सक्राइबर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एज प्रेस्क्राइब्ड इन सर्टिन केसेस फॉर एग्जाम्पल अगर जो उसका सब्सक्राइबर ऑफ वो है अगर वो बंदा ऑलरेडी किसी कंपनी का डायरेक्टर या प्रोमोटर है तो उस रिलेटेड तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो उस बॉडी कॉर्पोरेट की इंफॉर्मेशन वेदर इंडियन और फॉरनर डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स जाएगी और इंटरेस्ट एंड कंसेंट लेटर्स जाएंगे ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी और ये सारी इंफॉर्मेशन की आप कॉपी उठा के रखोगे टिल द डिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी जब तक वो कंपनी डिजोल्व ना हो जाए तब तक आप उठा के रखोगे कभी भी आपसे मांगा जा सकता है अप्रूवल फ्रॉम सेक्टोरल रेगुलेटर्स तो जो भी सेक्टोरल रेगुलेटर्स होते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टोरल रेगुलेटर्स हो सकते हैं फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई फॉर कंपनी से बी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज आई तो इन सेक्टोरल जो जुडिस्डिकल अथॉरिटीज हैं तो सबसे पहले इनसे आप एक लेटर ले लो कि हां ये आपको परमिट करती हैं वो बिजनेस करने के लिए और वो लेटर फिर आप जब एप्लीकेशन फाइंड करोगे इनकॉरपोरेशन की तो वो लेटर उसके साथ लगाया जाएगा तभी तो आपको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा फॉर द सेट पर्पज आ तो फॉर्म्स आप फिल करोगे विद द प्रेस्क्राइड फीस इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एमओ एंड ए फीस अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है शेयर्स के थ्रू हो रही है तो जो भी उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसके हिसाब से जो फीस है वो फीस दोगे आप अगर शेयर कैपिटल नहीं है मेंबर्स हैं तो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से जो फीस है वो दोगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करी है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर मैंने पिछली क्लास में बताया था फिर बता रहा हूँ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर की क्या जरूरत है क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्डिक्शनल होंगी तो अगर समझो दिल्ली में किसी बंदे ने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक नाम दे दिया एक्सवाइजेड अब जो डिफरेंट डिफरेंट नाम की ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है या किसी ने कोई एप्लीकेशन फाइल की है अगर नहीं तो आगे बढ़ें। तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा है और गलती होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है किंतु परंतु अगर एक डिजिटलाइजेशन का जमाना है अगर एक सेंट्रलाइज सेंटर बना दिया जाए जिसमें सारी की सारी कंपनीज का एक सेंट्रलाइज डेटा मेंटेन है उसके हिसाब से अगर वो जो एप्लीकेशन हैं वो प्रोसेस की जाए रिगार्डिंग नेम रिजर्वेशन और रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी तो उसमें गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं ना के बराबर हैं और काम भी बहुत जल्दी होगा तो इसलिए उस सेंटर की हमें जरूरत थी एक सेंट्रल जहां पर वो सेंट्रल लोकेटेड हो और जहां पर वो सारा काम एक साथ एक चैनलाइज पैन इंडिया लेवल पर काम चल सके तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर का यह काम है अदरवाइज जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो इसकी नहीं है ये सिर्फ प्रोसेसिंग सेंटर है ताकि काम जल्दी हो और सही हो कोई दिक्कत ना हो एक ही नाम दो तीन लोगों को ना अलॉट हो जाए ठीक है बाकी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी उसी आर की है जो उस आर के अंडर आपका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस आता है सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड तो आर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉपरेशन प्रोवाइड करता है बस उस सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्परेशन में आपका पैन नंबर इंडिकेटेड होता है पैन नंबर इज हैज इशूड और एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वही कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है बस सब कुछ उसी के लिए आपने सारा काम किया है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर ओसी शेल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इनकॉर्पोरेशन फील्ड फाइल्ड अंडर सेक्शन इतना In the register, ROC shall issue a certificate of incorporation in form number itna to the effect that the proposed company is incorporated and the certificate of incorporation shall mention the PAN of the company if it is so issued by the income tax department. Allotment of corporate identification number. ROC shall allot a distinct identity number of to the company called corporate identity number and CIN number shall be included in the certificate of incorporation and CIN shall have effect from the date of incorporation mentioned in the certificate. तो सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन है उसी डेट से वो एप्लीकेबल हो जाता है तो उसी डेट से वो कंपनी मानी जाती है पिक्चर में है तो उस डेट के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कोई दिक्कत नहीं है कंपनी कर सकती है। ठीक है जी तो अब फटाफट फड़ से हमने एक रिवीजन भी कर दिया छोटी सी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय आहा।, आहा, आहा।